अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में रेन एंड मार्टिन बुक के एक्सरसाइज इन कॉम्पोजिशन 47 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत टाइम एंड टेंस से सभी क्वेश्चंस हैं और इसके बाद आज ही के क्लास में एक्सरसाइज 48 भी कराने वाला हूँ। इसके पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं जिसमें प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अन्य चीज़ों की चर्चा हुई है, आप उन वीडियोस को अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रेन एंड मार्टिन का और उन वीडियोस को आप जरूर देखें। सभी वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं बेसिक ग्रामर को बेहतर तरीके से समझने के लिए। इस किताब को आप जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। और जो भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। अब सब्जेक्ट अंडरलाइन करो, वर्ब अंडरलाइन करो या टेंस अंडरलाइन करके बताओ, ये सब मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उन्हें मैं अवश्य करा रहा हूँ। आप सॉल्व कर लें किताब से और उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुन लें, एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू वांट। आपने पढ़ा होगा टेंस के अंतर्गत, नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लें। कुछ वर्ब हैं जिनमें सामान्य तौर पर आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, लव, लाइक, हेट, डिटेस्ट, कंसीडर, बिहोल्ड, बिलीव, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, सीम, टेस्ट, वांट, सीम, अपीयर एटसेट्रा। इनमें आप आईएनजी का प्रयोग सामान्य तौर पर ना करें। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम तो देखे थे फलाने किताब में आईएनजी था, तो वह या तो नाउन का काम कर रहा होगा या एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, वरना आईएनजी का प्रयोग टेंस को डिनोट करने के लिए, एक्शन को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता है। इस पर आप ध्यान देंगे तो द हेड मास्टर डैश, अब वाज वांटिंग, इज वांटिंग हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो हमें लिखना होगा वांट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आई डैश न्यू बाइसिकल लास्ट वीक। सेंटेंस के अंत में आप लास्ट वीक देख रहे हैं, यानी लास्ट के साथ आप टाइम देख रहे हैं, तो जब लास्ट के साथ टाइम दिया हुआ हो तो हम सिंपल पास्ट के अलावे किसी और का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बॉट होगा। हियर आई ओ सू, अब जब यहाँ आर है ना तो यहाँ सूज होगा, टाइपिस्ट से गलती हुई है। Here are your shoes, I dash them. ये रहे आपके जूते, ये रहे आपके जूते, यानी बात वर्तमान की हो रही है। और यदि बात वर्तमान की हो रही है तो आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ना करें। हाल ही में जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका होगा I have just cleaned. Just एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के बीच में आता है, उस तरीके से भी have just cleaned होगा और सेंस भी कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ है, तो जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम दिया हुआ हो तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करें, यदि एक पार्ट पास्ट में ना हो तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यानी इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मैंने बहुत सारा काम किया। सेंटेंस के अंत में आप टुडे देख रहे हैं और जब सेंटेंस के अंत में ऐसा एडवर्ब दिख रहा है जो वर्तमान को दर्शा रहा है, आज की बात हो रही है, अगर टुडे नहीं दिया रहता तो हम कुछ पास्ट सोच सकते थे। तो आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क, यानी आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आज मैंने बहुत सारा काम किया है। नेक्स्ट आई डैश समथिंग बर्निंग स्मेल, न जाने मैंने बोला कि नहीं, स्मेल भी वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत आता है, परसीव करते हैं हम इसे, और जिन एक्शंस को हम परसीव करते हैं उनमें आईएनजी नहीं लगाते, यानी या तो आई स्मेल होगा नहीं तो आई स्मेल्ट होगा,
देखिए स्मेलिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल यूज ना करें स्मेल, और अगर पास्ट में होता तो हम स्मेल्ट का प्रयोग करते। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बहुत लोग कहते हैं आप फील करने का टाइम नहीं देते, चलिए 2 मिनट, एक स्लाइड में मैं 1 से 2 मिनट आपको दूंगा। 7, 8, 9, 10 आप जल्दी से फील कर लें। लोग कमेंट करते हैं कि आप बनाने का समय नहीं देते हैं, जल्दी बना लें आप। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लुक द सन डैश ओवर द हिल्स, देखो देखो, अब यहां सामने घटना घट रही है, देखो यानी देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, देखो उसे। तो कह रहा है सेंस कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स, सूर्योदय हो रहा है पहाड़ियों के ऊपर, देखो वहां से निकल रहे हैं सूर्य, यानी सामने कुछ हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। 8, सी डैश अनकॉन्शियस सिंस 4 o'clock, अब 4 बजे से कहा जा रहा है, 4 बजे से वह अनकॉन्शियस है यानी बेहोश है, तो सी हैज बीन अनकॉन्शियस। अब बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि हैज बीन हैव बीन आ गया तो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, हैज बीन हैव बीन सिर्फ आ जाने से सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, हैज बीन हैव बीन हैड बीन के बाद वर्ब 4 plus time का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, हैज बीन के बाद, हैव बीन के बाद या हैड बीन के बाद एडजेक्टिव या नाउन दिया हुआ है तो वह सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं, इसे याद करेंगे। अब यहां देखें, डैश अनकॉन्शियस, लोगों को लगता है जनरली कि हैज बीन आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नो यह प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट सी है, हैज स्ट्रक्चर वाला हैज हैव जो आप यूज करते हैं वो है, और बीन थर्ड फॉर्म है बी का, यानी हैज हैव भी 3 है, तो यह कैसे हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आंसर होगा हैज बीन। 9, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही डैश नाउ, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही डैश नाउ, वे प्रत्येक सप्ताह हम लोगों के यहाँ आया करते थे, यानी पहले उनकी एक आदत थी प्रत्येक सप्ताह हम लोगों के यहाँ आने की, बट लेकिन, अब आप जानते हैं बट अपोजिट बातें करता है, पहले वो बार बार आते थे, बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन ही डैश नाउ, अब वो, अब बात इसमें आदत की हो रही है, तो नाउ वाले सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस में नाउ लगा हो, एट दिस टाइम लगा हुआ हो, एट प्रेजेंट लगा हुआ हो, तो आप इज एम आर वी 4 का प्रयोग करें, लेकिन नहीं, यहां आदत को व्यक्त करने के लिए नाउ लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट देखें और 9 का आंसर होगा रेयरली कम्स। क्वेश्चन नंबर 10, वी डैश फॉर हिज कॉल सिंस 4:20, 4:20 से हम लोग उसके कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग होगा सिंस के बाद टाइम दिया हुआ है, यानी 10 में आप फील कर लें हैव बीन वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, 2:15 को आप जल्दी से फील कर लें, 11:15 को आप जल्दी से फील कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आप यहाँ लास्ट वीक देख रहे हैं और एवरी डे यानी प्रत्येक दिन पिछले सप्ताह, तो ये पास्ट की हैबिट हो गई, और पास्ट की हैबिट के लिए आप V2 का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 12, आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस, सेंटेंस में ट्वाइस है, थ्राइस, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, लेटली, रिसेंटली, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना होता है,
अगर एक पार्ट पास्ट में दिया हुआ हो तो ट्वाइस थ्राइस टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाइव टाइम्स सेवरल टाइम्स वाले वाक्य पास्ट परफेक्ट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट में चर्चा की जा रही है इसलिए हम हैव सीन का प्रयोग करेंगे। आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज आई हैव सीन इट ट्वाइस। उस सिनेमा को मैं दो बार देख चुका हूँ इसलिए उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, आर गेस्ट Yes, they are sitting in the garden. Guests garden में बैठे हुए हैं। Guests garden में बैठे हुए हैं यानी वे लोग arrive कर गए, कभी नहीं हो सकता, arrive कर गए हैं यानी उनके आने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है, आ गए हैं, वो आ चुके हैं और बैठे हुए हैं garden में। वह काम जो हाल ही में finish हुआ हो, जिसके finish होने का इफेक्ट अभी तक हो, उसे व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आई डैश हिम सिंस वी मेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पहले कई बार बता चुका हूं जब भी सेंटेंस में सिंस के बाद भी टू दिया हुआ हो तो सिंस के पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही सेलेक्ट करें। सिंस के बाद भी टू दिया गया हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट सेलेक्ट करें, और यदि पहले प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया हो तो सिंस के बाद आप भी टू ही सेलेक्ट करें। यहां देखिए 14, सिंस के बाद भी टू है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा, यानी हैवंट सीन आंसर होगा, डिडंट सी नहीं होगा और हैडंट सीन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वी डैश आर ब्रेकफास्ट हाफ एन आर एगो, एगो यहां लगा हुआ है और जब सेंटेंस में एगो लगा हुआ हो तो आप सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस ही सेलेक्ट करें, दूसरा सोचना मना है। तो वी डैश आर ब्रेकफास्ट, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट किए। हैव ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता करना, हैव ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, किए तो हैड होगा। अब यहां पर इन्होंने हैव फिनिश्ड दे दिया और इन्होंने हैड फिनिश्ड दे दिया, नहीं देंगे हम भी टू देंगे, मैंने सोचा हैव देंगे ये, लेकिन यहां ये फिनिश्ड दिए हुए हैं भी टू, इसी को सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 को आप जल्दी से फील कर लें। 16 टू 20, जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट डैश, वह बस पर से कूद पड़ी जब बस चल रही थी। व्हाइल के बाद आप वाजवर भी फोर सेलेक्ट करेंगे, और यदि वाजवर भी फोर ऑप्शन में ना हो तो भी टू सेलेक्ट करेंगे, यहां है वॉज मूविंग होगा। 17, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म डैश, व्हेन वाले पार्ट में भी टू लगा हो तो दूसरे पार्ट में दो बातें हो सकती हैं, वाज वर के साथ वर फोर हो सकता है या हैड प्लस भी थ्री हो सकता है। सेंटेंस से यह हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें एक्शन किस तरह का है, और एक्शन के अनुसार हम डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा, जब हम लोग सिनेमा गए, द फिल्म डैश, अब यहां क्या होगा, यानी जब हम लोग पहुंचे तो फिल्म शुरू हो चुका था, यानी द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड नहीं होगा, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि जब पास्ट में दो घटनाएं घटती हैं तो जो घटना पहले घटी होती है उसे व्यक्त करने के लिए हम हैड भी थ्री का यूज करते हैं, और जो बाद में घटी होती है उसके लिए हम भी टू का यूज करते हैं। तो यहां पर हैड ऑलरेडी स्टार्टेड यानी सिनेमा पहले ही स्टार्ट हो चुका था, हम लोग जब पहुंचे, यानी हम लोग बाद में पहुंचे। I dash for an hour when it suddenly started to rain. एक तरफ आप started to rain देख रहे हैं, हालांकि ये grammatically गलत माना जाता है। Start, stop, like, dislike, hate, detest के बाद gerund का प्रयोग बेहतर माना जाता है, लेकिन avoid करें, यहाँ आ जाएं। I dash for, अब यहाँ पर started कह रहा है कि have select मत करो, have been मत करो, had been walking होगा, क्योंकि यहां पर फॉर एन आर है, एन आर
फॉर लगा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ओ प्रेजेंट परफेक्ट दो, नहीं यहाँ नहीं, क्योंकि एक पार्ट यहाँ पास्ट में है और जब एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, डिड यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर, क्या आपको ऐसा लगा कि आपने मुझे पहले कहीं देखा था, तो हैड सीन होगा क्योंकि वो जो देखने का काम है ना वो पहले हो चुका है, लग अभी रहा है पास्ट में, तो जो एक्शन बहुत पहले घटित हो गया है उसके बाद कुछ घटित हो रहा है तो पहले वाले के लिए हैड V3 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980, 1980 के समय जब मैंने टाउन को देखा था तब से यह बिल्कुल बदल चुका है, अपने अपीयरेंस को यह कंप्लीटली चेंज कर लिया है, तो द टाउन इज चेंजिंग नहीं होगा, चेंज्ड। अब जो स्थिति है वर्तमान में लागू हो रही है कि नहीं, तो है, किसी भी शहर में कहीं भी अगर कुछ बदलाव हुआ है तो वो हुआ है, यानी जब यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है तब भी वो बदलाव है, यानी वर्तमान तक उसका इफेक्ट है, इसलिए आप हैज चेंज्ड का प्रयोग करें। एक भी प्रश्न टेंस का आपका नहीं फंसेगा यदि ये जो लॉजिक्स मैं आपको दे रहा हूं यदि आप इसे धारण करते हैं, आप इसे सीखते हैं, एक भी टेंस का क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, चाहे वो फिलर हो, एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ भी नहीं। आगे, शीला डैश हर केस, लुक, देखो देखो शीला अपने केस को डैश कर रही है, सीएम कहता है EMR V4 चाहिए, अब EMR V4 नहीं है तो देखो यहां कहा गया है तो पास्ट के वर्ब का सिलेक्शन न करें, देखो शीला पैक कर चुकी है इसलिए हैज पैक्ड होगा। 22, व्हेन आई वाज इन श्रीलंका आई डैश नेगम्बो पेरुवेला एंड नीलावेली, जब मैं श्रीलंका में था तब मैं विजिट किया इन जगहों का, पास्ट के एक्शन को दर्शा देना है, वॉज विजिटेड, आई हैव विजिटेड, ये तो हैव तो आप सेलेक्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि एक पार्ट वॉज लिए हुए है और ऐसा नहीं होता है, इसलिए विजिटेड देंगे। आई मीट टू रिपेयर द रेडियो बट दैट्स टाइम टू डू इट टुडे, ये मीट पर तो हमको डाउट है, ये हमारे टाइपिस्ट की गलती हो सकती है। आई मीट टू रिपेयर द रेडियो बट दैट्स टाइम टू डू इट टुडे, आई हैव नो टाइम। हैविंग के पहले वर्ब टू बी का यूज ना करें क्योंकि यहां नाउन दिया हुआ है, यहां टुडे लगा हुआ है तो हैडंट का यूज ना करें, haven't had का यूज कर लें। पहला have जो है auxiliary verb है और दूसरा ये have जो है principal verb है। समय नहीं मिल पाया है आज मुझे। अगला, when I dash my dinner, I went to bed। तो एक तरफ V2 का प्रयोग हुआ है तो दूसरे तरफ भी past ही होगा और when वाले part में तो V2 लगता है, fixed है कि एक तरफ past है तो when वाला V2 ही लेगा। तो when I dash my, तो when I had my dinner, have dinner भोजन करना और had dinner भोजन किया, have had और had had की जरूरत नहीं है। 25, men dash to abolish wars up to now, but maybe they will find a way in the future। सेंटेंस में आप देख रहे हैं up to now, सेंटेंस में up to now के सिनोनिम क्या क्या होते हैं याद करेंगे आप, yet, as yet, by now, even now, till now, up to the present, और up to now, ये सभी synonyms हैं एक दूसरे के, और जब सेंटेंस में इनका प्रयोग हुआ हो तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि men dash to abolish wars up to now, तो men have never managed, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये नेवर मैनेज्ड नहीं होगा और विल हैव नेवर मैनेज्ड ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आप अप टू नाउ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर ओ उसमें 25 सेट्स ही थे, अब आपके सामने 48 है, 48 के क्वेश्चंस को अब आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को पढ़ ले, दोनों एक्सरसाइज इसी एक ही क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेन डैश एट 3:30, प्लेन 3:30 में आएगी। नॉर्मली हम सोचेंगे कि विल अराइव भर दो, लेकिन नहीं, ग्रेमा हमें सिखाता है कि यदि सिंपल फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों में निश्चित समय का प्रयोग हुआ हो तो उन वाक्यों में सिंपल फ्यूचर से बेहतर सिंपल प्रेजेंट होता है। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मैं यह सजेस्ट करना चाहूंगा, कई बार सिंपल फ्यूचर ही ऑप्शन में रहता है, सिंपल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो नहीं है तो सिंपल फ्यूचर, और यदि दोनों है तो आप सिंपल प्रेजेंट को सेलेक्ट करें, फ्यूचर को छोड़ दें, क्योंकि ये परफेक्ट रूल है, हमें इसे फॉलो करना है। तो द प्लेन अराइव्स एट 3:30, यानी प्लेन 3:30 में आएगी, अर्थ ऐसे बोलेंगे हम। नंबर 2, आई फोन यू व्हेन ही डैश बैक, व्हेन ही डैश बैक रूल पहले भी कई बार बता चुका हूं। फ्यूचर टेंस के दो क्लॉज WH वर्ड्स, इफ, अनलेस, अंटिल, इन केस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, एटसेट्रा से जुड़े हों, तो जिस पार्ट में इन कंडीशनल कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। इसलिए हम यहां कम्स को सेलेक्ट करेंगे, विल कम को छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई गेट होम माई डॉग एट द गेट वेटिंग फॉर मी, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरा कुत्ता गेट पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, यानी विल बी सीटिंग का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। 4 और 5 को आप फील करें। वो में है आई डैश द जोशिश दिस इवनिंग, यहाँ कुछ ग्रामेटिकल कॉलेसिज्म है, अगर यह नाम है तो द क्यों, अगर कुछ ऐसा है तो मैं मिस कर रहा हूँ। आई डैश द जोशिश दिस इवनिंग, दिस इवनिंग एक निश्चित समय है, इसलिए हाँ मे बी की यह प्लानिंग हो, रुक जाइए जरा सा। आई विजिट, आई एम विजिटिंग, या आप सेलेक्ट करें एम विजिटिंग, क्यों, क्योंकि एक रूल और है, प्री प्लान्ड एक्शन दैट इज टू हैपन इन फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी हम आज जोसिस के यहां विजिट करने जा रहे हैं, तो एक प्लानिंग है यह हमारा, इसलिए 4 में आप एम विजिटिंग सेलेक्ट करें, प्लानिंग है यह। Look at those black clouds, it dash, देखो उन ब्लैक क्लाउड्स को, बारिश होने जा रही है, बारिश होने की संभावना है, देखो क्लाउड्स कैसे हैं, तो क्लाउड्स ब्लैक हो गए हैं, बारिश होने वाली है, यानी इट इज गोइंग टू रेन, इट विल रेन श्योर कर देगा कि बारिश होगी, गोइंग टू रेन से पॉसिबिलिटी का बोध होगा, इसलिए बेहतर आंसर गोइंग टू रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आप जल्दी से फील कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस दिख रहा है,
बिफोर के पहले फ्यूचर टेंस होगा. द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन. हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी आ चुकी होगी. क्वेश्चन नंबर 7. परहैप्स के साथ फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, और जब वाक्य में परहैप्स के साथ फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस को सेलेक्ट करते हैं. संभवतः हम लोग महाबलेश्वर नेक्स्ट मंथ जाएंगे. अनलेस वी डैश नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम. वी कैन नॉट बी कैन कहीं ना कहीं फ्यूचर का सेंस रखता है, और एक पार्ट में आप फ्यूचर देख रहे हैं तो दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना होगा, इसलिए आप सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट को. क्वेश्चन नंबर 9. लेटर ऑन आगे चलकर यानी फ्यूचर के टाइम को यह दर्शा रहा है. तो आई ड्राइव इनटू नहीं होगा, आई विल बी ड्राइविंग इनटू टाउन लेटर ऑन. डू यू वांट अ लिफ्ट. द नेक्स्ट टर्म डैश ऑन 16th November. अगला टर्म 16th November को शुरू होगा, निश्चित समय फ्यूचर के वाक्य में, इसलिए आप बिगिंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिलेक्शन करें. 11 to 15 जल्दी सॉल्व करें. Oh dear, I dash. मैं स्नीज करने वाला हूँ, छींकने वाला हूँ. तो आई एम गोइंग टू स्नीज. आई विल स्नीज नहीं, आई एम गोइंग टू स्नीज. By 2020, बहुत इंपॉर्टेंट रूल. किसी भी वाक्य में बाई के बाद फ्यूचर का टाइम दिया हो. अब आप कहेंगे सर ये तो 2020 पास्ट का टाइम है, आप इसको फ्यूचर का टाइम क्यों कह रहे हैं? जब यह किताब लिखी गई थी तब यह फ्यूचर का ही टाइम था. और बाई प्लस फ्यूचर का टाइम दिया हुआ हो तो आप विल हैव भीतरी का प्रयोग करें. याद करना होगा इन चीजों को जो मैं बोल जा रहा हूं, इसे आप कॉपी में डायरी में नोट करें और याद कर जाएं. ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसी मैनर में पूछे जाएंगे आपसे. आई एम श्योर ही डैश द एग्जाम. श्योर, जब श्योर की बात हो तो आप विल का सिलेक्शन करें. विल श्योर करता है, वह पास कर जाएगी. आई डैश होम नेक्स्ट संडे. अगले संडे को मैं घर जा रहा हूँ. ये प्लानिंग है और प्लानिंग को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. आई डैश यू वन ऑफ दिस डेज. आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ घटना भविष्य में घटने वाली है, इसलिए विल बी सीइंग होगा. हेल्प, आई डैश फॉल. मदद करो, मैं गिरने वाला हूं. तो आई एम गोइंग टू फॉल. शी हैज बॉट सम क्लॉथ. शी डैश हरसेल्फ अ ब्लाउज. शी हैज बॉट सम क्लॉथ एक तरफ प्रेजेंट टेंस है, और शी डैश हरसेल्फ अ ब्लाउज कपड़ा खरीद चुकी है. किस उद्देश्य से खरीदी है? क्योंकि उसे एक ब्लाउज बनाना है. तो शी इज गोइंग टू मेक. कपड़ा खरीदने का पर्पस क्या है? इसको बनाना. यानी विल भी वन. ऐसे हम यहाँ इज गोइंग टू मेक भी सेलेक्ट करें तो किसी भी तरीके से इसे काटा नहीं जा सकता. बट बेस्ट वन इज विल मेक. आई डैश योर हाउस दिस आफ्टरनून. इट इज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क. मैं आज आफ्टरनून में आपके घर आ रहा हूँ क्योंकि यह मेरे घर लौटने के मार्ग में है. जब मैं काम से घर लौटूंगा तो आपके घर पर मैं आ रहा हूं आज. यानी आई विल बी पासिंग. आई एम पासिंग एक तरफ इट के साथ इज है. इट इज ऑन माई वे होम फ्रॉम वर्क. आई डैश योर हाउस दिस आफ्टरनून यानी आज ही के आफ्टरनून. तो आई विल बी पासिंग यहां ज्यादा बेहतर होगा. 18. अब मुझे लगता है हाँ ये इतने ही क्वेश्चन थे 48 के अंतर्गत. अगले वीडियो में, अगले क्लास में रेनन मार्टिन से ही संबंधित कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी. इन सबको याद करें, जितने रूल्स बोल गया हूँ इन्हें लिखें. और टेंस के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं रूल से परे होते हैं, सेंस पर बना दिया जाता है. जैसे मैं कुछ सेंस पर बना रहा हूँ.
यहाँ डिफर कर सकते हैं आप। हो सकता है कि आप किसी और लेखक का सुने, किसी और टीचर का सुने, तो वहाँ डिफरेंस मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह गलत है और वही सही है या वह गलत है और यही सही है। कुछ क्वेश्चन सेंस पर होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में नहीं दिया जाता है जिनका आंसर कुछ ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इसलिए डरे नहीं, आप निर्भीक होकर के जो रूल्स पर आधारित चीज़ें हैं उन्हीं को याद करें, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।